बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और आज यौम दिफा के ऊपर स्पेशली ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, और यहाँ पर शोहदा की फैमिली के बच्चे भी शामिल है मेरे साथ। कुछ थोड़ा रोना भी हुआ, कुछ गाना भी हुआ, कुछ बोलना भी हुआ, कुछ दिल की बातें हुई आप लोगों के साथ। और हमारे तमाम शहीदों को वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, उन सबको, उन तमाम अफवाज को हमारा सलाम। और कुछ हमारे यूथ और न्यू जनरेशन में जो अपनी आवाज से जज्बा जुनून जगाते हैं, उनमें एक प्यारे से सिंगर मौजूद हैं, अहमद बिलाल हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। फर्स्ट क्लास। आज हम स्पेशली यौम दिफा को स्पेशली सेलिब्रेट कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश कर रहे हैं, तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? मेहदी हसन साहब का बहुत ही प्यारा नगमा है, ऐ राग के शहीदों। ओ हा हा, वफा की तस्वीर हो तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बेशक, स्टार्ट कीजिए जी। शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शूले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। मैं चालिया है यतीमी से कितने फूलों को, कितनी बहारों में रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, क्या बात है बिलाल, जबरदस्त। बिलाल अहमद ने जो है बड़ा जबरदस्त इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हुए कहा, ए राय हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं फिजाएं सलाम कहती हैं। बेशक, और इनमें सबसे स्पेशल हमारे इस वक्त मौजूद हैं DSR फयाज अहमद शहीद कायम खानी की फैमिली, और हम इनको सलाम पेश करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने हमें जो बातें की अपने वालिद साहब की, और फिर थोड़ा मुझे रुलाया, खुद भी रोए। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि एक जो है पूछूं मैं इनसे कि ये भी क्या दिल करता है कि अपने बाबा की तरह जाना चाहते हैं रेंजर्स में। आप जाना चाहते हो दानिश? क्या बनोगे? माइक करीब करो, क्या बनोगे? आगे जाना है बाबा की तरह जी। बड़े बड़ा क्या यूनिफॉर्म भी पहनना है? अच्छा लगता है? Yes. Yes. आप भी बेटा, आप भी जाओगे? आप भी जाने? जी, मैं भी जाऊंगा। सब नहीं जी, भी सब चले जाएंगे। और आप भी माइक दो भाई को जी। अच्छा, आपने भी जाना है। बच्चों के अज़्म देखे कितने बुलंद है। और बुशरा आप क्या कहती हो बेटा? आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाएंगी, और ये अज़्म हमारे जो है ये बुलंद इरादे कोई तोड़ नहीं सकता। आप सब लोगों का आने का, खास तौर पे आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं स्पेशली जाते हुए मैं इसका नन्ना सा जो सॉन्ग जो इन्होंने अपने बाबा को डेडिकेट किया था वो सुनूंगी। अहमद आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लोगों ने कोशिश की, ऑफकोर्स अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश किया, और इसमें आपने कुछ पेट्रोटिज्म देखा, लाइक टैबलो की सूरत में मिली नगमा सुना, और हमारे दरमियान जो पहले गेस्ट थे उनकी प्यारी सी गुफ्तगु सुनी, और ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे हौसले बुलंद करते हैं। और ये हौसले, ये अज़्म
इन जवानों से है। और मैं सलाम पेश करती हूँ, मेरे तमाम अकीदत की बातें, मेरे अकीदत के फूल, मेरे खूबसूरत लहजा, मेरी हर चीज़ मेरे अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। जज्बा जुनून हमारे नौजवानों में भी होना चाहिए और आने वाली नस्लें जो हैं और इन जैसी जैसे शोहदा की फैमिली आप देख रहे हैं, उनके अज़्म कोई तोड़ नहीं सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी अज़्म और बलबले और जज्बे के साथ उभरते सूरज की तरह, फिर मैं आपसे मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। दानिश का स्पेशली जी सॉन्ग सुने बाबा के लिए, मेरे बाबा प्यारे बाबा जी, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो, ये ना समझना पार गया हूँ, ये ना दुनिया से हार गया हूँ, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो।